नकली सर्कल के पास भाजपा के कार्यकर सचिन ठक्कर और उनके रिश्तेदार प्रीतेश को जानलेवा हमला कर बेरहमी से पीटा गया था। दरअसल कुछ असामाजिक तत्वों की ओर से पार्किंग के मुद्दे के मद्देनजर इन दोनों पर हमला किया गया था, जिसके बाद भाजपा के नेता सचिन ठक्कर का इलाज निजी अस्पताल में जारी था और उनकी हालत काफी ज्यादा गंभीर थी। हालांकि आपको बता दें कि इलाज के दौरान अब सचिन ठक्कर की मौत हो गई है और आरोपी अभी भी पुलिस के शिकंजे से बाहर है। ऐसे में इस मामले में पुलिस की जांच सही तरीके से नहीं चल रही है, ऐसे आरोप परिजनों की ओर से लगाए जा रहे हैं। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान, BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।